नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में बेरोजगारी को लेकर युवा लगातार सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पिछले कई समय से उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं मिला। हालांकि अब कुछ विपक्षी दलों ने इससे मुद्दा बनाया है और युवाओं के साथ इस लड़ाई को लड़ने की बात कही है। कई विपक्षी नेताओं ने इसके लिए रात 9 बजे 9 मिनट कैंपेन चलाया, जिसमें लोगों से 9 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट बंद करने की अपील की गई। ट्विटर पर हजारों लोगों ने युवाओं ने इस कैंपेन का समर्थन किया और काफी देर तक ये टॉप ट्रेंडिंग में रहा। युवाओं के इस कैंपेन को बिहार में आरजेडी और सहयोगी दलों का सपोर्ट मिला है। बुधवार को पूरे प्रदेश में आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लालटेन दिया, मोमबत्ती जलाया। इसी कड़ी में पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर लालू परिवार ने भी लालटेन जलाया। इस कार्यक्रम के दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी मौजूद रही। तीनों लोगों ने लालटेन जलाया और 9 मिनट तक लालटेन लेकर खड़े रहे। तेजस्वी की इस मुहिम को उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी सपोर्ट किया और सिंगापुर में अपने घर पर लालटेन जलाया। पटना स्थित लालू आवास में तेजस्वी, तेज प्रताप के अलावा दूसरे कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लालटेन जलाया और बेरोजगारी के खिलाफ सांकेतिक विरोध जताया। तेजस्वी ने इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश जी कहते हैं कि बिहार के लोगों को अब लालटेन की जरूरत नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि बिहार में अब तीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमाना मिसाइल का आ चुका है। ऐसे में तीर की भला क्या जरूरत है। अगर नौजवान करोड़ों की संख्या में अगर बेरोजगार है, परीक्षा समय पे नहीं होता, धांधली होती है, 58 घोटाले होते हैं, बिहार का 20,000 करोड़ का नुकसान होता है, चोरी होता है, घुसखोरी होता है, तो क्या नीतीश कुमार जी ने किस पे कार्रवाई की, किस पे एक्शन लिया? तो इसलिए आज हम लोग सब लोग, जदयू के लोग जरूर बोलेंगे ये बात, लालटेन यू खत्म हो गया, परिवार में बेरोजगारी है, ये बात हम जानते हैं। ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, ये केवल हमारे हमारे परिवार को, पार्टी को बदनाम करना और गाली देना इनका काम है। इनकी शैली जो थी, भाषा जो थी, जो भाषण की, उसमें बदलाव हम सब लोगों ने देखा है, आपने देखा, हमने देखा, 3 घंटे भाषण दिए, लेकिन ये उपाय नहीं बताया कि बेरोजगारी कैसे मिटाएंगे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, कारखाने कब लगवाएंगे, भूखमरी कब खत्म करेंगे, ये उपाय नहीं बताया। हम लोगों पे आरोप लगाते रहे, मुबारक नीतीश जी, आप कहोगे लालटेन युग खत्म हो चुका है, लेकिन ये भी जान लीजिए एलईडी का आविष्कार आपने नहीं किया। और जब लालटेन युग अगर खत्म हो गया है तो तीर का क्या काम है, अब तो मिसाइल आ चुका है, मिसाइलों से दागा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ इस मुहिम में जुड़े। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आज आने वाले कल के बदलाव का इतिहास लिख दिया, सियासत के आसमान पर रोशनी से इनकलाब लिख दिया, आज युवाओं ने बीजेपी के शासनकाल की उल्टी गिनती की शुरुआत कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।